रिपोर्ट। रेत से तेल निकालने की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। रेत से तेल निकालना यानी असंभव को संभव कर दिखाना। कोसी के दियारा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से आए किसान रेत से तेल तो नहीं बल्कि तरबूज, खरबूज और ककड़ी निकाल रहे हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये नदी इस इलाके में साल के 5 महीने बाढ़ की तबाही लाती है, जिसकी वजह से खेती की प्रमुख फसलें यहाँ नहीं हो सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये वरदान जैसा है। जब बाढ़ उतरती है तो उत्तर प्रदेश से किसान यहाँ आकर तरबूज, खरबूज, ककड़ी और कद्दू वर्गीय अन्य सब्जियों की खेती करते हैं। ये किसान अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं। ये इस इलाके में करीब 5 महीने रहते हैं और परिवार को भी अपने साथ लाते हैं। परिवार के सदस्य भी इनके काम में मदद करते हैं। ये किसान सहरसा जिले के बलुआहा पुल के नीचे कोसी दियारा इलाके में बलुई मिट्टी में उगने वाली सारी फसलें लगाते हैं। ये किसान नवंबर महीने में यहाँ आते हैं और बाढ़ आने से पहले उत्तर प्रदेश वापस चले जाते हैं। कोसी का जमीन है बालू का, यहाँ पे हम लोग 8-10 साल से खेती करते हैं। ये बलुआ पुल से लेके नेपाल तक जितना भी ये बालू वाला जमीन है यहाँ पे सब पे खेती होता है। यूपी से आए हैं बलुआ पुल के नीचे सहरसा कोसी नदी पे खेती कर रहे हैं तरबूज वाला, यहाँ से लगा कर नेपाल तक का खेती है। इनके ये उत्पाद बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों को जाते हैं और अगर इन किसानों की माने तो इसमें इन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। ये किसान यहाँ लगभग 700 एकड़ भूमि स्थानीय लोगों से लीज पर लेते हैं। ये बालू की ढेर है जिस पर ये सोने की भा की कीमत में उपजा करके अपना 2 पैसा कमा रहे हैं। ये माल हर जगह जाता है, अपना पूरा दिल्ली तक चला जाता है माल, पूरा हर जगह माल सप्लाई हो जाता है। जहाँ जहाँ व्यापारी आता है सब व्यापारी अपना माल लेता है, डील करता है, ट्रक पूरा लोड होके जाता है। बिहार के कोसी दियारा के इलाके में जिस जमीन में स्थानीय किसान कुछ भी नहीं उगा पाते, वहीं दूसरे प्रदेश के किसानों ने इसे जरखेज बना दिया है। इससे ये साबित होता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव किया जा सकता है। सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।